हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसवा एकेडमी। मैं अखिलेश कुमार आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इंटरमीडिएट का लास्ट पेपर इंग्लिश का, जी हाँ दोस्तों, लास्ट सेट इंग्लिश का दोस्तों 316 ZW। जी हाँ दोस्तों, कोड क्या है 316 ZW। बोल रहे थे बच्चे ये पेपर बहुत टफ आया दोस्तों, बोल रहे थे बहुत ही टफ आया था। तो दोस्तों देख लेते हैं कि जो बच्चों ने कहा है क्या वो सही है, क्या ये पेपर वास्तव में उतना टफ है दोस्तों। तो आइए हम ले चलते हैं कि इस पेपर में क्या है दोस्तों। ठीक है, हम इस पेपर पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, रेसवा एकेडमी ने आपको सारे पेपर्स प्रोवाइड करा दिए दोस्तों। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है रेसवा एकेडमी दोस्तों। आप प्लीज़ दोस्तों जहां तक हो सके शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए दोस्तों हर सल्यूशन को पाने के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं क्वेश्चन पे सीधा। सेक्शन ए वही दे रखा है दोस्तों, सेक्शन ए में आपसे पूछ रखा है दोस्तों कि एक्सप्लेन कर दीजिए रिफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, यानी आपसे संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है, यानी रिफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है दोस्तों। देखिए ये आपको यहाँ पे दे रखा है पैराग्राफ, आपको पता होना चाहिए कि ये पैराग्राफ किससे है। ठीक है, उसके बाद ये पैराग्राफ दे रखा है, आपको पता होना चाहिए कि ये पैराग्राफ किससे। ठीक है तो दोस्तों, आप आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, इसमें दे रखा है आंसर एनी वन। ठीक है दोस्तों, किसी एक का सेम वैसे ही आंसर देना है। क्वेश्चन आपके पास ये है, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये नेशंस के बारे में जो ट्राई करने का जो फील था, जो उसके अंदर मतलब कुछ अनुमान था, उसको लेकर के वो स्टेटमेंट क्या सजेस्ट किया था, तो उसके बारे में आपको लिखना है। फिर करा, वाई वाज पथिक फ्यूरियस विथ हिज ब्रदर मखान। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी तरह गांधी जी से रिलेटेड दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं दोस्तों, आगे की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। इसमें देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स करने के लिए दोस्तों दिया। देखिए इसमें करना क्या है दोस्तों कि आपको ये चार ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन सही है दोस्तों, जी हाँ, इसमें से क्या दोस्तों, जी इसमें से जो भी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, ठीक है, उस पे इसमें से एक ऑप्शन आपका सही है उसको चूज करके इस ब्रैकेट में आपको भर देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको कितने दे रखे, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, डी तक आपको दे रखा है। अब आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की दोस्तों। तो देखिए इसमें आपको एक क्वेश्चन करना है, वो भी 75 वर्ड। कितने लिखने, 75 वर्ड। एक क्वेश्चन ये देखा है शेक्सपियर से रिलेटेड है एक क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, एक पोर्सिया से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो शेक्सपियर और पोर्सिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें से कोई एक का आंसर लिखना है और आपको 8 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। देखिए कितने नंबर, 8 नंबर, पूरे 8 नंबर मिलेंगे दोस्तों आपको। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसमें आपको 2 आंसर लिखना है। कितने आंसर लिखना है आपको, 2 आंसर लिखना है। कितने वर्ड में, 30 वर्ड में। ठीक है दोस्तों, तो आपको 2 आंसर लिखना है। कितने वर्ड में लिखना है दोस्तों, 30 वर्ड में लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, इसमें बात करते हैं कि दो क्वेश्चन, एक शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक द लॉस्ट ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक ज्ञान बाबू से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको लिखना है, ये क्वेश्चन तो आसान है यार, ये तीनों क्वेश्चन आसान है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल लिख सकते हो, जो चैप्टर पढ़ा होगा वो आराम से लिख लेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की दोस्तों, एक्सप्लेन विथ रिफरेंस। ठीक है दोस्तों, देखो फिर वो चीज़ वही आ गया, रिफरेंस यानी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको लिखना है। एक ये पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, उसके बाद एक अगला पैराग्राफ आपको देखिए यहाँ पर नीचे दे रखा है। ये दोनों पैराग्राफ को आपको बताना है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन से राइटर हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिख देना है। ठीक है दोस्तों, यानी रिफरेंस, ठीक है, और कंटेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो गिव द सेंट्रल आइडिया, ये देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया। ये आपको 3 टॉपिक है, सेंट्रल आइडिया लगभग लगभग सबका एक सेम कोई ना कोई आई जा रहा है। ठीक है, जैसे इसमें माई हिवन सेम है, तो दोस्तों इसको आपको लिखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों, डिफाइन एनी वन। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्या लिखना है, फिगर ऑफ स्पीच यानी 2 एग्जाम्पल के साथ लिखना है। एक है स्माइल, उसके बाद दूसरा दिया हाइपरबोला, तीसरा दिया ओनोमे टोफिया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, ओनोमेटोफिया दिया है दोस्तों। ठीक है, सेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं 9वां की। कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, किस में चेंज करना दोस्तों, इनडायरेक्ट में। ठीक है दोस्तों, तो पहला दिया है, दूसरा दिया है, ये आपको डायरेक्ट दिया है, आपको इनडायरेक्ट बदलना दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, मतलब इसमें जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन, यदि आप चाहते हैं कि उसका आपको सोल्यूशन दिया जाए, तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए कि दोस्तों हमें सर ये चाहिए, सर हमें सोल्यूशन बता दीजिए। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों, इसका मैं सोल्यूशन आपको जरूर बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। आज रात तक मैं काम करूंगा या हमारी टीम पूरा काम करेगी दोस्तों, आपको सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें बी दे रखा है। इसमें आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट दिया है सिंपल सेंटेंस, ये सेंटेंस है, इसको आपको किस में बदल देना है, सिंपल सेंटेंस में। फिर देखिए दूसरा में क्या करना है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल के लिख देना। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म फिर से सेम टू सेम वैसी है। देखिए ये सेंटेंस आपको दिया, इसमें क्या करना है, रिमूव टू का प्रयोग करना है। क्या करना दोस्तों, रिमूव टू का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं
ये जो सेंटेंस आपको दिया इसको किसको बदलना है, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बदलना है। ये आपको निगेटिव सेंटेंस दे रखा है, आपको इसको किसमें बदलना है, अफर्मेटिव। ठीक है, आगे बात करते हैं डी की। तो देखिए यहाँ पे भी दो क्वेश्चन दे रखे, दो सेंटेंस। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात यह कि ये आपको दे रखा चार ऑप्शन। इसमें क्या करना है कि कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक दिया होगा, कहीं यस छोड़ दिया होगा, तो कहीं ग्रामेटिकल गलत दिया होगा, तो कहीं वर्ब गलत दिया होगा। तो आपको इस पे चेक करना है कि क्या गलत है और आपको ये बताना है कि इसमें क्या सही होगा, उसको आप सुधार करके आंसर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। तो कह रहा है यूज एनी थ्री, कहने का मतलब है इसमें से ये आपको तीन और दो पाँच, ये पाँच आपको आइटम फ्रेज दे रखे हैं, इसमें से आपको तीन का अर्थ बताते हुए आपको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। तो कह रहा है एंटोनिम्स लिखिए, तो आपको ये तीन दे रखे हैं वर्ड, आपको इनको क्या बताना है, एंटोनिम्स इनका बताना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो सेनोनिम्स आ गया, देखिए तीन वर्ड आपको दे रखा है, इसका आपको क्या बताना है दोस्तों, सेनोनिम्स बताना है। क्या बताना है दोस्तों, सेनोनिम्स। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। तो कह रहा है आपको वन वर्ड लिखना है, ये तीन वर्ड दिए हैं, आपको बताना है कि इसका एक शब्द रूप क्या होगा। ठीक है, जैसे जैसे अ लिस्ट ऑफ बुक, तो इसको क्या बोलते हैं, शायद लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपको ये तीनों का आंसर देना। ठीक है दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इन सब का आंसर आपको प्रोवाइड किया जाए, तो हमें पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको यदि इनकी आवश्यकता है, तो हम आपको वीडियो बना करके बाकायदा सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों ई वाले की। तो इसमें देखिए आपको ये दो मीनिंग दे रखा है, डिसेंट। ठीक है, इस डिसेंट का मतलब पूछ रहा है, इस डिसेंट का मतलब पूछ रहा है, दोनों का अर्थ पूछ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के दोस्तों, तो इसमें शायद एक ही क्वेश्चन करना है। हाँ जी, एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसमें आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, तो या तो आप ये कर लीजिए, ठीक है, और या तो फिर नीचे आप चले आइए, इसमें पार्ट टू में देखिए आपको ये करना है। अगर ये नहीं चाहते हैं आप यदि ये नहीं चाहते हैं, ठीक है, यदि आप ये नहीं चाहते हैं, तो एक काम करिए आप, ये जो नीचे आपको देखिए यहाँ पे नीचे जो दे रखा है, यहाँ पे लिस्ट वाला क्वेश्चन आपको दे रखा होगा। जी नहीं, इसमें लिस्ट वाला नहीं दिया है, नहीं दिया इसमें लिस्ट वाला, क्या ये रहा दोस्तों, इसको आप कर लीजिए आराम से। आप पढ़े होंगे चैप्टर का नाम दिया, राइटर दिया है, ठीक है, आप इसको आराम से बता देंगे, जहां तक मुझे विश्वास है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका आ गया, जो आपको 12 नंबर प्रोवाइड करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 12 नंबर आपको प्रोवाइड करेगा। करना क्या, इसमें ऐसे लिखना है आपको किसी एक वर्ड पे, क्या करना है दोस्तों, ऐसे लिखना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, ऐसे लिखना है। तो ऐसे में देखिए बढ़िया बढ़िया चीज क्या दे रखा है, जैसे देखिए पीपल ऑफ इन्वायरमेंटल, देखिए ये दे रखा है ना, ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या क्या प्रदूषण डालेगी, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद द बेस्ट वे टू यूज योर स्पेयर टाइम, ठीक है, उसके बाद आपको देखिए और कौन सा देखा, ये देखा कॉन्सर्न कॉन्कर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ वोमेन, ठीक है, वोमेन की सेफ्टी के लिए क्या कर सकता है, देखिए स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गवर्नमेंट को हमारा कौन सा स्टेप उठाना चाहिए, इससे रिलेटेड आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी आपका ठीक ठाक आया, दो तीन टॉपिक अच्छे हैं जिसपे आप लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो ये देखिए आपको एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को आपको वेरी मतलब केयरफुली पढ़ना है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, इनके आपको क्या करने, उसी पैसेज से रिलेटेड, जी हाँ उसी पैसेज से रिलेटेड आपको क्या करने, आंसर देने। ठीक है दोस्तों, क्या करने दोस्तों, आंसर देने आपको। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पेपर रहा हमारा आज का, कौन सा पेपर कोड था मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। ये जो पेपर था दोस्तों हमारा इंटरमीडिएट का पेपर था, ये 316 JEE था दोस्तों। तो ये पेपर काफ़ी हार्ड आया था दोस्तों, ठीक है, बच्चों की बहुत मांग थी कि सर हमें पेपर प्रोवाइड किया जाए। तो जब बच्चों की मांग थी पेपर प्रोवाइड किया जाए, तो हमने आपको पेपर प्रोवाइड करा दिया दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि सोल्यूशन आपको मिले, तो हमें कमेंट करिए दोस्तों, ठीक है, और सोल्यूशन पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, रिजल्ट तक जुड़ जाइए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। सबसे मेन क्या है दोस्तों, सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि कोई भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए, तो आप नोटिफिकेशन का घंटा दबा दीजिए, आपको तुरंत वीडियो मिल जाए और आप देख सकें कि आखिर आपके फेवर में वो वीडियो है कि नहीं है। बिल्कुल फेवर में होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो लिंक रेशवा अकेडमी में प्रोवाइड कर रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। उस पर ऐसे ऐसे बच्चे जुड़े हुए दोस्तों, जो आप क्वेश्चन डालोगे ना, तो हमें क्वेश्चन का आंसर देने की आवश्यकता ही नहीं है, बच्चे ही सेलेक्ट कर देते हैं, आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा दोस्तों। यहां वहां भट भटकिए, रेशवा एकेडमी के साथ जुड़ जाइए। यहां वहां भटकने से अच्छा है कि आप एक जगह स्थिर होकर जुड़ जाइए, आपको वहां पे सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।